इंडियन चैंपियन से मिली। पोमेरियन फैमिली या कह लो कि टॉय ब्रीड्स में अलग अलग स्टैंडर्ड क्यों है? यूरोप का अलग क्यों है, अपना कह लो रशिया का अलग क्यों है, थाईलैंड का अलग क्यों, इंडिया का अलग क्यों? ओके जी, ये साडा नन्ना टॉयज ले गोल शो करके आए। ओके जी, कांग्रेचुलेशन जी, थैंक यू। कोई ऐसी ब्रीड मिलाते हैं जिसकी ग्रूमिंग के लिए कैंची नहीं आप यूज कर सकते, हाथ यूज करने पड़ते हैं, और मिलाते हैं उस सज्जन से, उस पर्सन से जो जिस सारी मेहनत करते हैं, कि इनके आंखों की जो प्रॉब्लम होती है आई इन्फेक्शन, वो एक तो कारण है बाल जी, या इसके अलावा और भी कोई कारण है, या बाल ही कारण? बिल्कुल है जी, कारण है। कि हमें, हम इसके पेरेंट्स हैं, हमें मालूम है इसको क्या खाने को देना है, क्या कब देना है, और ये कभी कभी वो चीजें मनवा लेते हैं कि ये नहीं मेरे को वो खाना है, फिर वो चीजों का चूजी पुना कैसे खत्म, वो कैसे खत्म करें? गाइस, अगर इस तरह की वाओ चैंपियन क्वालिटी में पहली बार कुछ चीज जाए तो इस तरह के हार्ड वर्कर पर्सन को जरूर सपोर्ट करें। थैंक यू। ओके भाई। सर मेरा नाम राजन है, कैनल है हैशक्लो। हैशक्लो, आपके पास इस ब्रीड के अलावा और कोई ब्रीड? सर विशोन फेरीज है। ओके, पहले थोड़ा इस ब्रीड के बारे में आप बता सकते हो जी, थोड़ा सा इसके स्वभाव के बारे में, या ये कह लो कि ये हमारा कैनल है। ओके गाइस, ये है इनका कैनल, ये है कॉन्टेक्ट नंबर। अब थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लेते हैं इस ब्रीड के बारे में, थोड़ा बताइए सर इस ब्रीड का नाम और बिहेवियर। सर ये टॉय पूडल है। ओके, बहुत प्लेफुल है, कोरिया जापान बाहर की कंट्री में सबसे ज्यादा ये पाला जाता है। ओके, बहुत जल्दी वेल ट्रेंड हो जाता है, बहुत फैमिलियर है, फ्रेंडली है, बच्चों सीनियर सिटीजन के फैमिलियर है, फैमिलियर है। और इसको रख रखाव कितने, इसके बाल होते हैं जो अक्सर बच्चे फोटोज देखते हैं, इसके बालों को संभालना स्पेशली गर्मी में या हेयर फॉल के टाइम में कितना मुश्किल है? सर एक्चुअली में इसका हेयर फॉल बहुत कम होता है, इसके बाल काफी कर्ली होते हैं, तो आपस में जल्दी जल्दी टूटता है। टैंगल फ्री रखना कोई बिग चैलेंज? ग्रूमिंग करना पड़ता है, ब्रश अगर आप शोरूम में ले जा रहे हैं तो ग्रूमिंग तो करना ही होगा ना। अगर घर में केयर है, घर में अगर है तो एक टाइम तो देखो जरूरत पड़ेगी, दिन में, दिन में एक बार। ठीक है जी, थोड़ा सा आप इसकी ब्रीडिंग भी करते हो जी, तो अगर किसी को पपी लेना हो तो आपको ये जो नंबर आपने दिखाया इस पर कांटेक्ट करें जी, या आपकी लोकेशन थोड़ी बता सकते हो? सर दिल्ली में मोतीबाग, मोतीबाग के आसपास। तो अगर किसी के पास ऐसी फीमेल है तो आपके पास स्टड सर्विस भी अवेलेबल होगी। ओके, एक बार दोबारा कैनल का नाम बताइए। और आपको ये, आपके पास ये किस किस कलर में अवेलेबल है? सर मेरे पास मोस्टली सभी कलर्स में, सभी कलर में। इसके अलावा दूसरी ब्रीड का कौन सा नाम लिया आपने? विशोन फेरी। ओके, वो गाइस नीचे राम करें, मैं नहीं आपको दिखा पाऊंगा कुछ समय के बाद शायद। एक बार और आपको बता दूं, ये ब्रीड प्रॉपर फ्रेंडली है, हेयर फॉल कम होता है, कर्ली बाल होते हैं इनके, और अभी रिंग में इनका चला, ये है इनका एक्चुअली मेन लुक। ये ऑलरेडी चैंपियन हो चुके हैं, इंडियन चैंपियन है गाइस, इंडियन चैंपियन से मिलिए। कुछ आइडियल प्राइस बता सकते हो? कुछ 72-1 लाख स्टार्टिंग प्राइस, राउंड 70 गाइस। तो अगर आपने कुछ एक्सपेंसिव, कुछ यूनिक ब्रीड लेनी है तो सर के साथ कांटेक्ट कीजिए और इंडियन चैंपियन से मिलिए। स्टड सर्विस भी अवेलेबल कराती हैं दिल्ली, बाकी ऑल ओवर इंडिया में डिलीवरी अवेलेबल। थैंक यू वेरी मच गाइस, आपको ये छोटे छोटे न्यू टॉयज के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं। हाँ जी सर, नमस्कार जी। सर पहले अपना नाम बताइए। संजय अरोड़ा। कहाँ से अरोड़ा सर? देहरादून से, लोकल हो यहाँ के? बहुत बड़ा ब्यूटीफुल शहर है आपका सर। और बताइए थोड़ा ब्रीड के बारे में, ये कौन कौन सी है? ये दोनों टॉय पॉम है। ओके, टॉय पॉम बेसिकली इनका साइज 8-10 इंच के करीब होता है, और इनका वेट 1.5-2 किलो होता है। बहुत ही प्यारे फैमिली डॉग है और एग्रेसिव नहीं होती। ब्रीड थाईलैंड और रशिया की। ओके ब्रीड, एक थोड़ा सा ये मेरे को बताइए कि बहुत सारे व्यूवर्स, मैंने लास्ट भी जो डॉग शो शूट किया था उसमें मैंने भी टॉय ब्रीड के बारे में इन्फॉर्मेशन दिया था, वहाँ पर कुछ फिर मैं भी कुछ हैरान हो गया, क्योंकि एक्चुअली अच्छा लगता है जब व्यूवर्स आपको कुछ चीज़ें के बारे में पूछते हैं और आपको उसके बाद कभी सवाल का जवाब नहीं होता। उन्होंने मेरे से ये पूछा कि पोमेरियन फैमिली या कह लो कि टॉय ब्रीड्स में अलग अलग स्टैंडर्ड क्यों है? यूरोप का अलग क्यों है, अपना कह लो रशिया का अलग क्यों है, थाईलैंड का अलग क्यों, इंडिया का अलग क्यों है? ये बेसिकली
और कुछ जो फर की क्वालिटी है वो अलग अलग कंट्री में अलग अलग उसके वेदर के हिसाब से होती है। लेकिन ये प्रॉब्लम हमें ज्यादातर इस ब्रीड में क्यों पाई जाती है, अगर आपके पीछे रॉटवाइलर है जहाँ मैं थोड़ा इधर कर दूँ, इधर सेंट बर्नार्ड है, ये भी तो कभी कभी ऐसा हो जाता है। बेसिकली टॉय फॉर्म पहले जो निकला है ये बड़ा साइज हुआ करता है। इसको छोटा करने में क्वीन एलिजाबेथ का बहुत बड़ा हाथ है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मीन है कि ये चीज को इसमें पता क्यों, ये सवाल मेरे को किसी ने किया कि जब वो पपी लेते हैं, जैसे यू आर प्रोफेशनल, 40-50 दिन के पपी को कैसे आइडेंटिफाई, या कोई नया पर्सन कैसे पकड़े कि ये वो वाला साइज है और मैं आगे जाकर कहीं 4-6 महीनों के बाद मेरे साथ धोखा ना हो जाए, वो कोई साइन दीजिए ऐसा कि एक्चुअल में क्या है, जब आपको टॉय फॉर्म, हाँ जी, जब भी आपको टॉय फॉर्म लेना होगा तो एक जो ब्रीडर है हर ग्रुप का उसके पास पूरा फैमिली होती है, तो आपको ये देखना पड़ेगा उसके पेरेंट्स कैसे, क्योंकि जो बेबी टॉय फॉर्म होता है वो ज़्यादा फर्क आपको नज़र नहीं आता है। बेसिकली इसके फेस से पता चलता है, जो फेस है तो वो पंचिंग और छोटा फेस होता है, ठीक है, और वेट उसका जो साइज़ होता है, बेबी का साइज जो होता है वो बड़े होने के बाद तो 8 or 9 inches का होता है, लेकिन छोटा साइज में जो कल्चर फॉर्म के है वो और टॉय फॉर्म के साइज लगभग बराबर नज़र आता है, तो पहचानना आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल हो जाता है जो कोई नए कस्टमर होते हैं, नए पालने वाले। तो कुल मिलाकर आपका मैसेज यही है कि एक रेपुटेटेड पर्सन से ही आपका डॉग लो तो आपको सही चीज़ मिलेगी। इसमें कोई कलर कॉम्बिनेशन या आपके पास कौन कौन से कलर में डिफरेंट है, और ऑरेंज कलर आता है, फोन कलर आता है, ब्लैक कलर आता है, और ऑरेंज और फोन कलर या ब्लैक कलर को जब मिक्स कर लेते हैं तो वो ब्लैक और फोन कलर मिक्स कर लेते हैं, ठीक है। आजकल बेसिकली सारे ब्रीडर मिक्स कर लेते हैं, मिक्स कर लें जी। थोड़ा सा मेरे को एक्चुअल में इनके सफाई कर्मचारी रिंग नंबर दो जो एक्चुअल टॉय पॉम्प से टॉय सफाई कर्मचारी रिंग नंबर दो सीजीरियन हो जाती है, ठीक है, तो वो परफेक्ट डॉक्टर भी चाहिए उसके। तो बेसिकली लोग ब्रीडर जो हैं वो कल्चर पॉम्प से ब्रीडिंग कराते हैं। गाइज मैं सिंपल भाषा में वो चीज़ एलिबरेट करना, जो उन्होंने सनीत सजेरियन कहा वो एक कहले हुई ऑपरेशन कर इनके ये बच्चे निकालने पड़ते हैं, ये अकेला इस ब्रीड में नहीं है, इंग्लिश बुलडॉग में भी ये प्रॉब्लम आती है, आजकल इंग्लिश बीगल में भी ये प्रॉब्लम आनी चाहिए। तो उसमें फिर जो नए अभी जो कुछ मेरे फ्रेंड अगर इस ब्रीड में आना चाहते हैं तो आपका मैसेज ये है कि इसको बालों को संभालना, इसको संभालना एक अलग चीज़ है, आपको एक अच्छा डॉक्टर को भी ध्यान में माइंड में रखना पड़ेगा। बिल्कुल, आप अपना करनी है तो सफाई कर्मचारी का फार्म का नाम सुन रहे हैं वो रिंग नंबर फार्म का नाम कैनल का नाम शौकिया रखे। फिर भी अगर जैसे आपने अच्छी इन्फॉर्मेशन दी, कोई आपके साथ इसका कभी पपी लेना चाहता हो या बात करना चाहता हो, आपके लोकेशन या कॉन्टेक्ट नंबर, मैं कॉन्टेक्ट नंबर दे देता हूँ 9219874635। और लोकेशन यहाँ पर देहरादून में GMS सर, आप भी अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम आनंद शुक्ला है। ओके, और मैं भी टॉय पॉम्प की ब्रीडिंग कर रहा हूँ देहरादून में। ओके, कॉन्टैक्ट नंबर 8171094558। तो गाइज थैंक यू वेरी मच, पहले सर का मैं कह दूं कि उन्होंने बहुत आराम से इन्फॉर्मेशन दिया इस ब्रीड के बारे में, और हो सके मैं होप हूँ कि आपके बहुत सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। थैंक यू वेरी मच सर, एंड बहुत धन्यवाद आपसे बात करने के लिए। धन्यवाद। कोई ऐसी ब्रीड मिलाते हैं जिसकी ग्रूमिंग के लिए कैंची नहीं आप यूज़ कर सकते, हाथ यूज़ करने पड़ते हैं, और मिलाते हैं उस सज्जन से, उस पर्सन से जो जो सारी मेहनत करते हैं। ये ब्रीड के बारे में आपको पहले भी थोड़ा बताया था, लेकिन आज आपको थोड़ा और डिटेल में इंफॉर्मेशन देते हैं। हाँ जी सर, सत श्री अकाल जी। हाँ सर, कहाँ से? जलंधर। थोड़ा इस ब्रीड के बारे में बताइए, स्वभाव के बारे में। ये कौन सी ब्रीड है और इसका स्वभाव क्या है? इंग्लिश क्रॉकस स्पैनियल है। इंग्लिश क्रॉकस स्पैनियल बड़े प्लेफुल होते हैं, मतलब नेचर इनका बहुत अच्छा, काफी फ्रेंडली। एक था ना, बहुत सारे व्यूवर्स बार बार ये पूछते हैं कि
ये किन किस किस कलर के कॉम्बिनेशन में आता है और उस कलर को क्या कहा जाता है? जैसे कलर ऐसे इसमें जो काफी डिमांड में पहले रहते थे ब्लूरॉन ब्लैक एंड व्हाइट, बिल्कुल, फिर ऑरेंज व्हाइट, अभी ये सॉलिड कलर की थोड़ा सा डिमांड लगा लो, ये अवेलेबिलिटी यही है कि गोल्डन ज्यादा है और ब्लैक सॉलिड कलर की लाइक होगी, सॉलिड ही चाहिए। पहले हमारे पास होते थे, मेरे पास एक डॉग था बहुत ही ज्यादा अराउंड 55 प्लस बीओबी थी, मेरे खुद की ब्रीडिंग का था और कैसे विनर का था, खुद ब्रीडर, खुद हैंडलर, खुद ही ग्रूमिंग। ठीक है, तो अच्छा आप जलंधर में खुद ग्रूमिंग सब कुछ करते हैं? सब कुछ खुद ही करता हूँ, खुद ही ब्रीडिंग। और अगर कोई जैसे जलंधर के कोई व्यूवर्स हो जहाँ कोई इर्द गिर्द मान लो आपके जैसे गोल्डन रिट्रीवर है या जैसे शिरजू हैं, आप इन सब की भी कर लेते हो? जी जी, तो अपना जरूर फिर कांटेक्ट नंबर या कोई शॉप या कैनल कोई ना? कैनल ही है जो खुद का घर पे ही मेरे सेटअप है। हाँ, तो मतलब मेरी ट्राई होती है कि विजिट करके ही करूँ। लोकेशन जलंधर कैंट, जलंधर कैंट, और कांटेक्ट नंबर फिर भी? हाँ जी, कांटेक्ट नंबर 9815365628। आप इस ब्रीड के अलावा और भी कोई ब्रीड में ब्रीडिंग करते हैं? शिरजूज हैं जी मेरे पास, फ्रेंकल डॉग है, बीगल्स भी है, पग है, वॉल्टीज है मेरे पास। ज्यादातर छोटी ब्रीड में ही काम करना पसंद है। घर पे खुद के ब्रीड किए हो, मतलब जो भी है सबके ग्रैंड पेरेंट्स को भी मेरे पास। और आप अगर कोई बंदा आपसे इस जो ब्रीडों के नाम लिया आपको लेना चाहता है तो आपको सेम नंबर पर कांटेक्ट नहीं कर सकता है? तो गाइस अगर आपको कोई भी छोटी ब्रीड चाहिए उसकी ग्रूमिंग के लिए कोई और इशू हो तो सर के पास काफी नॉलेज है। डिफिकल्ट है जिनके ऊपर सीजर कम यूज होता है। अच्छा, लोगों को पता ही नहीं है, 8-9 घंटे लग जाते हैं ग्रूमिंग में। 8-9 घंटे? और अगर सीजर यूज नहीं करते तो फिर क्या यूज करते? मेरे इस पार्ट में कहीं पे भी सीजर यूज नहीं हुआ, इनके सिर्फ ये बेस पे हमने ट्रिमर के साथ, ये सिर्फ सीजर के साथ, टोटल हैंड स्ट्रिपिंग है, ये पूरा हाथ से निकाल। गाइस ये देखिए, ये ब्रीड पर बहुत मेहनत करनी पड़ती है, मिनिमम लगेंगे एक दिन में शायद कंप्लीट भी ना हो। हमें जैसे हमें लग रहे हैं कि यहाँ पे भी कुछ एक्स्ट्रा है तो ये सब मुझे हाथ से निकालने होते हैं। एक ब्रीड का स्टैंडर्ड ही है कि हैंड स्ट्रिपिंग होना चाहिए, इनके ऊपर कभी भी ट्रिमर सीजर यूज नहीं होना चाहिए। अब ये देखिए कुछ लोग हैं यहाँ पे भी जीरो नंबर कर देंगे, हाँ फिर तो ये होना नहीं, सत्यानाश हो गया फिर तो। जिनको समझ ही नहीं उनके लिए वही सब कुछ अच्छा है। अभी मेरे पास कुछ आए थे यहाँ पे कि इनके 3-4 महीने में बाल कटवाने पड़ते, मैंने कहा नहीं वो और किस साल की बात है? 2004 से यही से स्टार्ट हुआ था मेरा। थैंक यू वेरी मच फॉर इतनी। गाय जी जो ब्रीड है ना सबसे ज़्यादा मेहनत करवाने वाली, जो अक्सर शिरजू एग्जीबिटर होते हैं वो कहते हैं कि हम शो में सबसे पहले आना पड़ता है इनको तैयार करने के लिए। तो आज एक बार फिर मैं स्टॉल पर आया हूँ तो सिंह साहब साथ में है। सत श्रीकाल जी। सत श्रीकाल जी। सिंह साहब कहाँ से? मैं दिल्ली तो जी। दिल्ली तो, अपना पहले नाम बताइए। मेरा नाम विशाल सोडी जी, मैं दिल्ली से रहता हूं। और अपने कैनल का नाम? मेरे कैनल का नाम सोडी कैस्केड है जी। ओके, लोकेशन सिंह साहब? 43, 44, 47, 49। आप इस ब्रीड में कितने समय से काम कर रहे हैं? सर 17 साल हो गए। 17 साल हो गए। सर मैं ना पहले भी हर बार यही क्वेश्चन मेरा होता रहा है कि इनके आँखों की जो प्रॉब्लम होती है आई इन्फेक्शन, वो एक तो कारण है बाल जी, या इसके अलावा और भी कोई कारण है या बाल है ही कारण? बिल्कुल है जी, कारण है। एक तो जी पंच फेस होने के कारण, ठीक है जी, हमारा जो यहाँ का एटमोसफेयर है जो थोड़ा सा धूल वगैरह जो है ना, उसके कारण इसकी इरिटेशन बहुत जल्दी होती है क्योंकि पंच और आई ज़्यादा ओपन है, बड़ी है, उसके कारण बड़ा फर्क पड़ता है इसका। और हम लोग थोड़ा अब आ जाएं प्रोफेशनल ग्रूमिंग में तो कई लोग इसकी मुश्तार थोड़े टाइट कर देते हैं, ठीक है, जब करते हैं तो उसके कारण आई सिर्फ एकमात्र बाल ही कारण होता है। अगर डॉग की बाल कान खराब हो गई तो समझ लो कि वो बंदे ने टेक केयर नहीं किया, बाल नहीं संभाले। ये भी आपके भी मैं मना नहीं कर रहा, ये भी एक है कि बाल आ जाते हैं, लेकिन ये भी है कि भी इनकी आंखों के जो डस्ट ज़्यादा आती है उसके कारण भी ये दिक्कत, इरिटेशन के कारण भी होता है। ओके सिंह साहब, थोड़ा और इस ब्रीड के हेल्थ इश्यूज कोई हैं? हेल्थ इशू सर बेसिकली लोग सोचते हैं कि ज़्यादा पंच है तो इसकी कोई है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल अच्छा होता है।
इसमें सबसे बड़ी चैलेंज क्या होती है, इसको बच्चे तो बहुत पसंद करते हैं, ज्यादातर चैलेंज होता है मम्मीज या सिस्टर घर में हो तो वो कहते हैं जब इनका हेयर फॉल होता है तो घर में या फिर संभालना, बच्चे केयर नहीं करते, क्या बाकी में इन ब्रीड का बहुत ज्यादा हेयर फॉल होता है? नहीं नहीं सर, बिल्कुल हेयर फॉल नहीं होता, ये हमारी अपनी कमी है कि हम न्यूट्रिशन का ध्यान नहीं रखते, डाइट का ध्यान नहीं रखते। आजकल बड़े सारे प्रोफेशनल डॉक्टर्स आ रहे हैं जो प्रॉपर न्यूट्रिशन डाइट है जिसकी, हमें वो देनी चाहिए। अब लोग क्या करते हैं, अनबैलेंस फूड जो दे देते हैं, जैसे कि कई लोग दूध ब्रेड दे देते हैं और कुछ अपने ही जी हम मैंगो भी दे देते हैं, हमारा डॉग सब्जियाँ भी खा लेता है, ये गलत है, ये गलत है, ये बहुत ज़्यादा गलत है और बाद में ब्रीड के ऊपर ब्लेम आता है जी ये हेयर फॉल करते हैं, ये हेयर फॉल बिल्कुल नहीं करते जी, आप प्रॉपर केयर रखिए, प्रॉपर टाइम पे इसकी दो दिन में एक बार कॉम कीजिए, कभी आपको हेयर फॉल नहीं करे, और डाइट न्यूट्रिशन बहुत ध्यान रखिए। एक और इशू, जैसे कि बहुत सारी ब्रीडों में कहा जाता है पग वो हर एक के साथ फ्रेंडली होते हैं और लेब्राडोर वो भी फ्रेंडली होते हैं, इस ब्रेव ब्रीड का बिहेवियर कैसा है? बहुत फ्रेंडली है जी, बहुत इसके अकॉर्डिंग टू लासा ये बहुत ज़्यादा बेटर है और टॉय ब्रीड से, बहुत ज़्यादा लविंग है, बहुत ज़्यादा आपको फील कराएगा, ह्यूमन टच बहुत मांगता है, ह्यूमन टच बहुत। जरूरी ये नहीं है कि इसको लड़कियां ही संभाल सकती, लड़के संभाल सकते हैं। देखो जी हम पिछले 17 साल से संभाल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, और बहुत ज़्यादा हर कोई संभाल सकता है, बच्चे बड़े, इजी टू कीप, इजी टू मेंटेन। हाँ जी सर, और कुछ आप बताना चाहते हैं? बेसिकली डाइट के बता रहे हैं हम, जैसे पहले भी आपने बोला भी क्या कि इनकी न्यूट्री क्या, मतलब हेयर फॉल का क्या रहता है, लोग कहते हैं हेयर फॉल ज़्यादा होता है, दूध हो गया, ब्रेड हो गया, नमक हो गया, बेसिकली नमक का ध्यान रखिए, लोग ध्यान नहीं रखते। और अब आजकल क्या करते हैं, डॉग बिस्किट जो प्रॉपर डॉग के लिए बने वही यूज़ करो, ये नहीं कि आपने पार्ले जी भी दे दिया और ये भी प्रिया हमारे बच्चों के वो नहीं, हाँ ये नहीं, बिल्कुल कभी आपको हर की प्रॉब्लम नहीं है। और कोई इस ब्रीड का अगर आप किसी को टिप देना चाहो जो बंदा, टिप देना सर ये है कि आजकल जैसे अभी हमारे पास सब बिजी ज़्यादा हो रहे हैं लोग, सो घर पे रखने के लिए बेस्ट ब्रीड है, इजी टू कीप है, इजी टू मेंटेन है, कोई ज़्यादा बात नहीं करता फजूल में कि भी कोई भी, अलार्म डॉग है, बहुत अच्छा रखना, और वॉक की जरूरत नहीं है घर में, बिल्कुल जी, एक अंडर 10 kg डॉग है, मतलब जितने एक्सरसाइज चाहिए घर में पूरी हो जाती है, पूरी हो जाती है। थैंक यू। तो गाइज अगर आप फ्यूजू लेना चाहते हो तो आपको, अगर आपके पास लाइफ में आजकल जैसे लोग ऑफिस में हैं, समय कम है, तो छोटी ब्रीड आपके लिए ऑप्शन है। हेयर फॉल सर ने बता दिया है कि नमक दूध मीठा मत दीजिए, बाकी कंघी एक बार करनी पड़ती है, और ज़रूरी ये नहीं है कि लड़कियां ही ब्रीड को रख सकती हैं, लड़के भी संभालते हैं। और 17 साल का सर का एक्सपीरियंस है, थैंक यू वेरी मच। एक बार फिर कॉन्टैक्ट नंबर कोई अगर बंदा आपके साथ पपीज लेना चाहता हो इसके बारे में कुछ ब्रीड, कोई कॉन्टैक्ट नंबर 6198837। और लोकेशन दिल्ली में, दिल्ली वसंत कुंज। हाँ जी, सत श्रीकाल मैडम। मैडम कहाँ से आप? जलंधर से मेन जलंधर या कोई मेन जलंधर? और पहले तो मैं ये बहुत बधाई हो आपको, ये गोल्ड देखकर मैं बहुत खुश हुआ, ये हमारा आज जीता है चैंपियन, बताइए ये क्या जीता और ये क्या बना आज? ये इंडियन चैंपियन ऑलरेडी है, गुरदासपुर में KCI का जो लास्ट वीक शो हुआ था वहाँ पे इसने अपना टाइटल कंप्लीट किया है। पिछले साल भी ये देहरादून आया था और ये लाइनअप यहाँ से लेके गया था, और इसके पास 20-25 लाइनअप्स हैं अभी तक। ओह कांग्रेचुलेशन। हाँ जी, तो ये सब आप करते हो? ये मैं, मम्मा है जो सबसे ज्यादा मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं मेरी फैमिली में, और जो इसके हैंडलर है बलजीत जी वो करते हैं इसकी हैंडलिंग और ट्रेनिंग। गाइस वुमेन्स पावर देखिए। तो आप वेल गुड, इतनी दूर भी है, मैं भी जलंधर से हूँ, और हम आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग अराउंड 350 किलोमीटर पड़ जाता है ना? हाँ जी, हमें 370 के आसपास, हाँ, पड़ जाता है इतना। वैसे हम पिछले साल जयपुर भी चले गए थे मैं और मामा के लिए ड्राइव करके। इस बार भी चलेंगे। हाँ। और थोड़ा और बताइए ये ब्रीड के बारे में कि ये लेब्राडोर है, सॉरी ये पग है, पग को संभालना क्योंकि ये बहुत मूडी ब्रीड है, बहुत जल्दी खासकर लेडीज को तो ये ब्लैकमेल कर लेते हैं, तो आप जो व्यूवर्स हैं उसको कैसे बताओगे कि इसको एक हेल्थी डाइट भी देनी है और इसकी बात भी नहीं माननी है? एक्चुअली वैसे तो ये बहुत फ्रेंडली, कोई एग्रेशन नहीं है इसमें, और ये इजी टू मेंटेन डॉग्स हैं, क्योंकि लॉन्ग कोट डॉग्स थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं पेट होम्स की जब हम बात करते हैं, शॉर्ट कोट है, इजी टू मेंटेन है, बस थोड़ी डाइट में हमें ये ध्यान रखना है कि अगर हम ओवर फीडिंग करेंगे तो एक्सेसिव वेट गेन की टेंडेंसी पग में है, वेट गेन बहुत जल्दी करता है, क्योंकि ये ज्यादातर इंडोर रहते हैं और हमारे घर में मार्बल टाइल्स लगे होते हैं तो ये वॉक भी कम ही करते हैं, घर में एक्सरसाइज की हो नहीं पाती, तो अगर इनके हम थोड़ा सा नॉर्मल 10-15 मिनट वॉक के लिए ले जाए, डाइट थोड़ी सी हेल्दी रखें, एक्सेसिव ना दें, तो ये बहुत फिट रह सकते हैं। और एक बात और, ये ब्रीड का जो मैंने मेन क्वेश्चन था कि अगर ऑलरेडी किसी, मान लो अगर ये आपके ऊपर हावी हो गए, आपसे अपनी बात मनवाना चालू कर गए, तो फिर उस चीज से कैसे हटाएं, क्योंकि जहाँ
आप क्या मैसेज दोगे सबको कि इसकी बातों को मत माने, क्योंकि हमें, हम इसके पेरेंट्स हैं, हमें मालूम है इसको क्या खाने को देना है, क्या कब देना है, और ये कभी कभी वो चीज़ें मनवा लेते हैं कि ये नहीं मेरे को वो खाना है, फिर वो चीज़ों का चूजी पुनः कैसे खत्म, वो कैसे खत्म करें। एक्चुअली ये स्टार्टिंग से आपने किस तरह उसको रखा है, जैसे हम अभी घर में किसी बच्चे को भी सारा दिन उसको जंक फूड देते रहेंगे और घर का खाना हर बच्चा अवॉइड करता है, मुझे ये भी खाना है, मुझे वो भी खाना है, तो अगर स्टार्टिंग में उसको डिसिप्लिन वे से रखेंगे कि जो हमने खाया बिस्किट खाया तो बिस्किट दे दिया, अगर मेरे हाथ में कुछ मीठा है मिठाई है तो वो भी दे दी, तो उनकी हैबिट्स बिगड़ जाती है। शो डॉग्स है तो हम इनको एक्सेसिव कुछ भी नहीं देते, हाँ प्ले पूरा करते हैं, अटैचमेंट रखते हैं, पर फीडिंग जो है वो प्यार नहीं है, एक्सेसिव फीडिंग प्यार नहीं है, समझ गए, जो पेट होम्स करते हैं। क्योंकि इनका टेक केयर करना, भगवान ना करे कभी बीमार हो तो प्रॉपर ट्रीटमेंट करना, साफ सफाई रखना, वो प्यार है, वो लेकिन प्यार है। जो आप खा रहे हो वो शेयर कर देना वो प्यार नहीं, क्योंकि वो इनके लिए हेल्दी भी नहीं है। बिल्कुल सच। फिर इनके आप कहोगे कि इनके हेयर फॉल हो रहा है, मीठा दही जा रहे हैं घर वाले, फिर ये प्रॉब्लम है, या फिर इसको ब्रीदिंग प्रॉब्लम आ रही है, वो ओवरवेट होगा तो ब्रीदिंग ऑब्वियसली आएगी, ऑब्वियस होगा तो करेगा। तो मैडम आप बताइए थोड़ा सा, कितना खुश हो आपके डॉटर इस लाइन में है? मेरे हस्बैंड भी वेटरनरी डॉक्टर थे। ग्रेट। क्या नाम था उनका? विजय गोयल, डॉक्टर विजय गोयल। ठीक है, और आपका पूरा नाम? मेरा डॉक्टर पल्लवी, मैं वैसे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। ओके, जलंधर में हॉस्पिटल है। कहाँ पर आप अभी प्रैक्टिस कर रहे हो? ये अशोका हॉस्पिटल, अशोक जलंधर में। और आपके कैनल का नाम और फार्म का नाम? ये वैसे ये इसका नाम तो ग्लोरियस स्टैंग बाय मी है, वैसे इसको जैगुआर कहते हैं प्यार से। और अभी हमने लास्ट ईयर ही भूपेंद्र जी की ब्रीडिंग है उनसे लिया था, और मेरे पास 6-7 पग्स हैं इस टाइम। आपकी कॉन्टेक्ट नंबर एंड कैनल का नाम? कैनल का यही है, नीलिमास कैनल है, और नंबर है 9781 77 33 44। गाइज अगर आपको आपका डॉग भी चूजी है तो मैडम के साथ आप साइकोलॉजी, जैसे आपने बताया इन्होंने कि ये साइकोलॉजी से हैं और आपको हेल्प कर देंगे। बाकी इस ब्रीड का अगर पपी चाहिए तो भी मैडम के पास ऑब्वियसली होगा, तो जरूर कांटेक्ट कीजिए। थैंक यू वेरी मच मैडम। गाइज ये आज शिरजू की अभी चल रही है और वीडियो तैयारी, और इन जनाब से मिली है, शायद दिस इज आवर सेकंड मीटिंग, आप पहले मिल चुके हैं ना राइट? लुधियाना में हमारी बात, बट हमारी बात नहीं हो पाई थी, मैंने देखा था। अच्छा ओके, आज ये लेकर आए हैं गाय, थोड़ा बताइए ये ब्रीड के बारे में, कॉमन रखा जा सकता है? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये टॉय पूडल है और इसके पेरेंट्स जो है वो इम्पोर्ट है। ये मेरी होम ब्रीडिंग है, इससे पहले एक और फीमेल मैंने रेड कलर की, वही आप मिले थे जब लुधियाना में वहाँ मैंने चैंपियन की है उसे। कांग्रेचुलेशन, थैंक यू। क्योंकि मैं ज्यादा लेट तक वहाँ रह नहीं पाया, मेरे को मालूम नहीं पाया कौन कौन जीता, तो बहुत बहुत बधाई। थैंक यू पाजी। और अभी इसे भी एक सीसी मिली है। ग्रेट। अभी ये फर्स्ट टाइम है, इसका फर्स्ट शो है ये, फर्स्ट टाइम आई है, फिर भी पलो कोई नहीं, प्रोफेशनल अच्छी थी। अगर है ना, मैं ये हमेशा जो कॉम्बिनेशन होता है इसका और आपका, यू डूइंग सच अ हार्ड वर्क, कि एक फर्स्ट टाइमर में ही आप अगर कुछ ना कुछ अपने पेट को दिलवाते हो तो आपकी भी उसमें मेहनत है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो है ही पाजी। आप ओनर मेहनत करेगा तभी तो कुछ मिल पाएगा। बिल्कुल। ये ब्रीड का प्राइस कुछ आइडिया दे दीजिए। ये हमारे पास विद पेपर होते हैं, वैसे तो स्टार्ट 50 के करीब से हो जाते हैं, पर हमारे पास जो पपी होते हैं वो 1 लाख से ऊपर 1,15,000 के करीब होता है, शो क्वालिटी, ओनली शो पर्पस के लिए। और मेरा एक यूट्यूब चैनल भी है विशाल बाबा कैनल करके, और इंस्टा आईडी भी है, तो आप लोग मुझे वहाँ भी देख सकते हो। एक बार कॉन्टेक्ट नंबर जरूर बता दीजिए। 9953293701। गाइस अगर इस तरह की वाओ चैंपियन क्वालिटी में पहली बार ही कुछ जीत आए तो इस तरह के हार्ड वर्कर पर्सन को जरूर सपोर्ट कीजिए। थैंक यू। ओके भाजी। गाइस एक और पूडल है यहाँ पर, और ये कुछ ऑलरेडी हासिल कर चुका है। हाँ जी, सत श्रीकाल। सत श्रीकाल जी, कहाँ से सर आप? सर हम देहरादून से, देहरादून से लोकल ही हो। हाँ जी लोकल। और ये क्या जीता इसने आज? बेस्ट ऑफ ब्रीड है, बेस्ट ऑफ ब्रीड का ऑलरेडी टैग है, और अभी शायद दोबारा लाइनअप में लगना है, दोबारा लाइनअप, तो लोग और भी इससे कुछ प्लस हो जाए। हाँ क्या आपके कैनल का नाम क्या है? लव इन कैनल। लव इन कैनल। आपका कॉन्टेक्ट नंबर सर? 8476888886। आप पूडल के अलावा और भी ब्रीड शिरजू में भी काम करते हो, आपके पास पप्स अवेलेबल होंगे? अवेलेबल रहते हैं। तो ग्रेट गाइस, देखिए पूडल और सपोर्ट कीजिए जरूर। थैंक यू। थैंक यू। लो जी असी वापस आ गए, दसा भी करा लो सहारनपुर। यहाँ पर रेलवे स्टेशन है और उसके साथ ही में हमें होटल मिला है, और यहाँ से बस जाती है हरिद्वार को, और अगर आपको जाना हो कहीं तो बिल्कुल पंजाब की ही तरह है,
और सरदार जी भी दिख गए, तो कह लो कि पंजाब ये नाइट फूड कुछ अलग चीज़ें हैं, वो काफ़ी लंबी लाइन है। सहारनपुर, थैंक यू।